नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। आधार सीडिंग कराना अनिवार्य, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार। 683 राशन कार्ड धारियों का डबलिंग लाभ लेने वाले उपभोक्ता का नाम काटा गया। समय पर राशन उठाओ और वितरण करें जन वितरण दुकानदार। सोमवार के दिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिन उपभोक्ताओं का आधार सीडिंग अभी तक नहीं हुआ, वह अपना आधार सीडिंग अपने जन वितरण दुकानदार से मिलकर अविलंब करा लें, अन्यथा उनका राशन कार्ड बंद हो जाएगा तथा राशन के लाभ से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 683 राशन कार्ड धारियों का नाम राशन सूची से विलुप्त कर दिया गया है, जो डबल लाभ उठा रहे थे। उन्होंने जन वितरण दुकानदारों को हिदायत दिया, समय पर राशन उठाओ और वितरण करें, अन्यथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। सरकार द्वारा हमें लिस्ट भेजा गया था कि सारे प्रखंड में कि बहुत सारे उपभोक्ताओं का इस राज्य में भी राशन कार्ड है और दूसरे राज्य में भी है, तो आधार सीट होने के माध्यम से ये पकड़ में आया कि एक 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 आदमी का दो दो जगह राशन कार्ड बना हुआ है। तो उनसे हम लोग नोटिस के थ्रू ये वेरीफाई कराए कि आप कहाँ लेना चाहते हैं राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड है, तो आपका राशन कार्ड एक ही होगा, वो पूरे देश के लिए वैलिड होगा, डबलिंग नहीं होना चाहिए राशन कार्ड। तो उसको हम लोग चिन्हित कर करीब 683 राशन कार्ड मौजूदा प्रकरण में हम लोगों ने उसको बंद कराया। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, मैं यहाँ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मचौलिया में पदस्थापित हूँ। सर, आधार सीडिंग के बारे में सर जानकारी चाहिए। सारे उपभोक्ताओं को कहा गया है कि जिस भी राशन कार्ड में जहाँ भी आधार सीडेड नहीं है, उनका आधार जल्द से जल्द सीड कराना है। और ये हमारे जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि क्योंकि उन्हीं के मशीन से ये आधार सीड हो रहा है, तो उनकी भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो जल्द से जल्द लोगों को जागरूक करके वो आधार सीड कराएं। अगर आधार सीड नहीं होगा तो भविष्य में उनका राशन कार्ड बंद भी हो सकता है। आपके द्वारा उपभोक्ता के लिए क्या मैसेज? मेरे द्वारा ये उपभोक्ता को यही कहना है कि जहाँ भी उनका जहाँ से भी राशन उठाते हैं और वो इंश्योर हो लें कि किनका आधार सीडेड नहीं उनके राशन कार्ड में, और जल्द से जल्द वो आधार अपना सीड कराएं, नहीं तो भविष्य में बंद होने की पूरी संभावना है। मझोलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। सहरसा के बंगाली बाजार रेलवे ढाला पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने से लोगों ने नाराजगी दिखाई। ऐसे में ओवरब्रिज निर्माण कार्य को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे सोहन झा ने एक बार फिर कोसी युवा संगठन के द्वारा जन आक्रोश मार्च निकालकर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। इस दौरान जन आक्रोश मार्च में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। ओवरब्रिज निर्माण को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे सोहन झा ने बताया कि सरकार के सुस्त रवैया और जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण आज ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो पा रहा। व्यवसायियों के कारण ओवरब्रिज निर्माण कार्य अटकी हुई है, जिससे लोगों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चिलचिलाती धूप में लोग घंटों बंगाली बाजार रेलवे ढाला पर फंसे रहते हैं। कई लोगों की जान भी रेलवे ढाला पर जा चुकी है। पूरे दिन बंगाली बाजार में जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। सरकार और प्रशासन की नज़र शायद जाम में फंसे लोगों पर नहीं जा रही। सोहन झा ने जिला प्रशासन और सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब तक ओवरब्रिज निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता, तब तक हम लोगों का आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। ये पिछले 25 वर्षों से सहरसावासी जिस ओवरब्रिज का इंतजार कर रहा था, उसे हम लोगों ने अपने संघर्ष के बल पर सरकार से स्वीकृति दिलवा दिया और राशि स्वीकृति मिल गई। अब जब निर्माण कार्य आरंभ होना था तो उसे चंद पूंजीवादों के दबाव में आकर निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। आज जब कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है, राशि स्वीकृति मिल गई है, तो फिर महीनों तक निर्माण कार्य का आरंभ नहीं होना एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही है। इसी को लेकर के हम लोग निर्माण कार्य आरंभ हो शीघ्र, इसी को लेकर के आज जन आक्रोश मार्च निकाले हैं। और अगर निर्माण कार्य आरंभ जल्द से जल्द नहीं की जाएगी तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, पूरे शहरवासी को जगाएंगे और हजारों लोग सड़क पे होगी और उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। आपको लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार का विफलता नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। जिस सरकार ने ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति दे दिया, आज विपक्ष के आवाज़ उठाने पर उस निर्माण कार्य को अवरुद्ध किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार कहीं ना सरकार की कमजोरी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सदन में लगातार आवाज़ भी उठाया जा रहा है कि ओवरब्रिज बन जाने के बाद मार्केट जो है वो खत्म हो जाएगा, क्या कहेंगे?
देखिए मार्केट कहीं ख़त्म होने वाली नहीं है। पूरे भारत देश में जिस भी शहर के विकास के लिए वहाँ ब्रिज का निर्माण किया गया है, वहाँ कुछ न कुछ दुकानदार को वहाँ से हटाया जरूर गया है। अगर पूरे भारत में किसी भी शहर में निर्माण ओवर ब्रिज निर्माण कार्य पहले से आरंभ करने से पहले उस क्षेत्र के लोगों से पूछा जाए, वहाँ जो एक ठेला वाला ठेला लगाता है उनसे भी पूछा जाए कि यहाँ ओवर ब्रिज बनवाया जाए या नहीं, तो वो यही कहेगा कि ओवर ब्रिज निर्माण नहीं किया जाए, इससे हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन सरकार को ये सोचने की ज़रूरत है कि ओवर ब्रिज निर्माण होने के बाद शहर का विकास होगा, हजारों लाखों लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी, शहर चारों ओर फैलेगा, तो ज़रूरत है ओवर ब्रिज का। सहरसा बिहार जिला रिपोर्टर गौरव कुमार चौधरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।